ଏଟା ତ ଖଟା ଏଟା ବି ଖଟା କାଇ ଫାଇଦା କେନ୍ଦା ଖଟା ମନ୍ଥଟା ମନ୍ଥ ଦାରୁସା ଟିକେଟା ଦେବୁ ଖଟା ଦୁଇ ଖାଉ ଆଉ ଖଟା ଟିକେଟ ଦେବୁ ହେଲା ଜୋର ଦେ पानी चल देखो पानी। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आप सभी का फिर से मेरे और एक नई वीडियो में स्वागत है गाइस। आज है आज क्या दिन है? आज मंगलवार का दिन है गाइस, और अभी टाइम हो रहा है शाम का 7 बज रहा है। 7 बजने के लिए और 5 मिनट बाकी है शायद। और मैं दिन में और वीडियो नहीं बनाई खाना वाना खा लेने के बाद, और क्या सब्जी बनाई थी वो भी अच्छे से नहीं दिखाई गाइस। और थोड़ी देर सो गई थी, सो लेने के बाद फिर 5 बजे उठी हूँ। इतना नींद आ गया था आज मेरे को, तो फिर उठ के सारा काम ख़त्म हो गया, शाम का जो काम रहता है पूजा पाठ सब खत्म हो गया। तो अभी थोड़ा मैं जा रही हूँ, पार्क भी बंद कर दूँगी और उधर से क्या थोड़ा कुछ काम होगा तो कर लूँगी। तो फिर जा रही हूँ, रेडी हो चुकी हूँ गाइस। और ये भी नहीं है, आज गए हैं थोड़ा अपना घर गए हैं वहाँ पर तिलका नगर, तो आएँगे रात को, लेट से आते हैं। आप तो उनको मैं बोलती हूँ थोड़ा जल्दी आ जाना, लेकिन वो नहीं मानते, लेट हो जाता है उनका वहाँ पे जाने से। तो रात को आएंगे कितना बजे पता नहीं। तो मैं आप लोग वीडियो के साथ बने रहो गाइस, और मैं जा रही हूँ थोड़ा पार्क भी बंद उंद करके आ जाती हूँ। फिर कुछ क्या क्या करती हूँ तो फिर मैं आप सबको दिखा दूँगी, ठीक है? तो गाइस मैं अभी जा रही हूँ मेरी सहेली का घर। मैं निकल चुकी हूँ मतलब पार्क बंद करने के लिए, तो उधर थोड़ा बहुत दिन हो गया उससे, ओ रायगढ़ा नहीं रायगढ़ा वहाँ थी। उसके बाद फिर नवरंगपुर में उसका हस्बैंड वहाँ पे जॉब करते हैं, तो फिर वो लोग वहाँ पे थे। अभी आई है, एक महीना हो गया वो यहाँ पे आई है, लेकिन मैं एक बार भी उससे मिलने नहीं गई हूँ। तो इधर पार्क बंद करूँगी, और आज ये भी नहीं है, तो मैं बोली थोड़ा जाती हूँ मुलाकात करके आ जाती हूँ। तो फिर अभी जा रही हूँ, रास्ते में हूँ, और उसका घर यहाँ पर सीधा में है सामने, मैं दिखा दूँगी वहाँ पे पहुँचे। मैं थोड़ा मंदिर वहाँ पे मंगला मंदिर में गई थी, वहाँ पे प्रसाद भी मिल रहा था, और थोड़ा सा एक दिया जलाई। बहुत दिन से जाऊँगी सोचती हूँ, मैं जा नहीं पाती हूँ गाइस। तो फिर अभी तो इसीलिए बोले, आज मंगलवार भी है सुबह तो नहीं आ पाती हूँ, ऐसे थोड़ा दीप एक जला देती हूँ बोली, और एक दिया जलाई, और अभी मैं जा रही हूँ उसका घर, मैं दिखा दूँगी, ठीक है? गाइस मैं सोच रही मंगला मंदिर का लाइन सीधा सोच रही थी, लेकिन नहीं, ये दूसरा और नीचे उस वाला लाइन है, मैं ना भूल गई थी। तो जा रही हूँ ऐसे सीधा उनका घर है पूरा लास्ट में, मैं दिखा दूँगी। इधर ये टायर क्लब है, तो उधर ये है गाइस उनका घर, में पहुँच चुकी हूँ। हाँ इधर ए वाला पार्क में भी लग गया है, बसी चा कांति ए दे प्रसाद रखी दे उसी घर। हे कौन कर रे? ए
मंदिर जाई थी नी बना मुझा। तो गाइस अभी टाइम 8:30 होने वाला है, अभी तक नहीं हुआ है और मैं अभी पार्क बंद करके 8 बजे आ गई। और आने के बाद मैं अभी थोड़ा दाल बना रही हूँ, भात है दिन का और थोड़ा सा सब्जी है और आलू भी उबाल के रखी थी दिन में वो भी है, तो अभी थोड़ा सा खाली दाल बनाऊँगी। और ये देखो गाइस ये समोसा, यहाँ वहाँ से 2 समोसा लेके आई थी और घर में कोई नालक गया है, अभी तक फ़ोन की थी उसको बोली जल्दी आओ, वो बोल रहा है आ रहा हूँ, बोला अभी तक नहीं आया है और ये भी नहीं आया है अभी तक, मैं अकेली हूँ घर में। तो ये 10 का समोसा लाई थी, 2 समोसा 10 रुपया, 5 रुपया एक, कभी इसको खा लेती हूँ थोड़ा। वहाँ पे अच्छा लगता है मेरे को, साग बनाते हैं पूरा मतलब खस्ता रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है उनका समोसा, मेरे को वहीं से खाती हूँ और मेरे को और कहीं अच्छा नहीं लगता। और वहाँ पे और एक लास्ट में है, वहाँ पे भी अच्छा लगता है, लेकिन उधर अभी नहीं जा रही हूँ गाइस, इधर से पार्क बंद आने के बाद वहाँ पे समोसा लेके फिर इधर आ गई, तो खा लेती हूँ। और वो लोग कब आ रहे हैं क्या कर रहे हैं पता नहीं। ये गाइस देखो ये जो आलू में थोड़ा सा उबाल के रखी थी दिन में, और ये दाल बन रहा है इधर, मसूर का दाल। इसको अब उबाल के 2 बच गया था, सुबह ब्रेड के साथ खाने के लिए आलू उबाल के रखी थी, तो उसी को अभी थोड़ा सा ये कर रही हूँ, थोड़ा सा ऐसे वो जो देसी वाला बीरी उड़द दाल का जो बड़ी नहीं रहता है उसका मैं बना रही हूँ। और एक चीज़ दिखाने वाली थी आप सबको, दिखाई नहीं, रुको मैं दिखा देती हूँ। ये देखो गाइस मैं कल लाई थी, ये देखो गाइस ये एक्चुअली क्या है, सामने से दिखाने से अच्छा नहीं है ये, मैं सुबह दिखा नहीं पाई थी अच्छे से दिखा नहीं पाई थी गाइस। ये जंगली फल कल मैं बाजार गई थी ना, तो ये खट्टा लगता है, बंद कर देती हूँ पहले गैस को इधर। तो ये है गाइस जंगली फल, खट्टा लगता है इसको, मतलब कैसे बनाते हैं मैं जब उनको पूछी तो वो बोले कि इसको उबाल देना थोड़ा सा, उबाल के फिर उसका पानी को फेंक देना और उसके बाद मसाला उसाला दे के उसको बनाना, तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं खाई हूँ। तो बोले कि खा लो अच्छा लगेगा, जंगल का फल है, पेड़ बड़ा बड़ा पेड़ होता है, इसीलिए मैं इसको लेके आई थी। तो देखो इसको मैं बनाई थी तो दिन में आज ऐसे दिख रहा है, ऐसे उबाल के बनाई थी तो ऐसे बनाई, थोड़ा सा बचा है गाइस, बाकी सब मैं दिन में खाई और इतना थोड़ा सा बचा है। और मेरे को तो खट्टा बहुत पसंद है, भांग वाले देने हैं। अच्छे हेटा अभी तो कट दी थी, तो हे डालटा हेटा हे जोर गोशोर डालटा, अच्छा हेटा कट दी थी नहीं चाब ले रही आ गुड़ बड़ काटा अच्छे देखते हेटा ये बाप रे कुकुटी एठू काट में हेले तैयार है सब दे थोड़ा 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 देता जा घिसराते आन में है काटा पुड़वा रे
ये गाइस देखो क्या है आधा सीझी गला भाजी है गला गिरो से कुल उठा कर धर ले रे बाबा जमा कर जोरी कर दे हांडिया चखना है तो खोटा एटा भी खोटा का फायदा मुंदरा दारू सा तो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम का 7 बजने के लिए और ही 15 मिनट बाकी है और आज भी मतलब कल शाम को वीडियो का स्टार्ट की थी गाइस और आज शाम को उसका वीडियो का अभी मैं आप सबसे मिल पा रही हूँ और क्या बोलूँ अभी फिर आज भी फिर मार्केट जाने के लिए रेडी हुई हूँ और वो अभी तक नहीं आए हैं ड्यूटी से और कल जानते हैं कल रात को वो 10 बजे आए फिर वो आए फिर हम लोग खाना उना खाए फिर सोते सोते 10:30-11 ऐसे तो फिर मैं वीडियो का एंड भी नहीं की फिर आज सुबह भी मैं वीडियो बना नहीं पाई तो शाम को थोड़ी सी मैं वहाँ पे वो जो घर के ऊपर में पेड़ सब था ना बड़ा बड़ा तो मेरे गांव से सब आए थे पेड़ काटने के लिए और वहाँ से पेड़ के ऊपर में जो नहीं रहता है हम लोग तो इधर देमता बोलते हैं देमता और उसको खाते हैं मैं बचपन में खाई हूँ सब खाते हैं उसको चींटी जो होता है नहीं वो चींटी नहीं है वो अलग है उस पता नहीं क्या है उसको देमता बोलते हैं तो उसको ना खाते हैं ऐसे प्याज में प्याज के साथ ऐसे भून के खाते हैं और सब्जी उब्जी भी बनाते हैं कोई कोई खट्टा बनाते हैं वो बहुत खट्टा लगता है टेस्टी तो है लेकिन मैं तो बचपन में खाई थी बहुत और उसके बाद आजकल जब नहीं खाती हूँ तो वही मैं दिखाई गाइस थोड़ा सा आप सबको और अभी मैं उसी वीडियो को अभी मैं एंड करूँगी यहीं पर कैसे लग जाता है गाइस गर्मी पूरा आ गया है ना अभी गर्मी से कैसे लग रहा है तो गाइस आज का मेरा ये वीडियो मैं यहीं पे रखती हूँ और फिर मिलती हूँ और एक नई वीडियो में तब तक के लिए आप लोग खुश रहो मस्त रहो स्वस्थ रहो और आप सबको अगर अच्छा लगे मेरा ये वीडियो तो एक लाइक कर देना अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना गाइस और मेरे चैनल को कोई अगर नया देख रहा होगा तो सब्सक्राइब भी कर देना और बताना कि वो जो देमता जो निकाल रहे थे वहाँ से पेड़ में वो जो चींटी वो सब आप लोग खाते हो कि नहीं खाते हो अगर मालूम होगा तो कमेंट करके बताना तो ठीक है गाइस फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाय।